आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द अपने स्थान पर बैठ जाएं। We are really honored and delighted to have the presence of our distinguished dignitaries, special invitees, the presence of the ministers from various ministries, the presence of senior officials joining us from various ministries. We also have the presence of principal secretaries and secretaries of the Government of India, और स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स 28 राज्यों से हमारे साथ यहां पर स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं। नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नई दिल्ली का विज्ञान भवन सज धज के साथ तैयार है आज से केंद्रीय सूचना आयोग के दो दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नई दिल्ली का विज्ञान भवन सज धज के साथ तैयार है। यहाँ आज से केंद्रीय सूचना आयोग के दो दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय सूचना आयोग के इस 10वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस दो दिवसीय सम्मेलन का विषय है सूचना का अधिकार, आरटीआई, भविष्य का दृष्टिकोण, पारदर्शिता के माध्यम से विश्वास। केंद्रीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली उद्घाटन सत्र के दौरान सम्मेलन को संबोधित करेंगे और केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस समारोह में उपस्थित रहेंगे। इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के बाद तकनीकी सत्रों के दौरान आयोग के कामकाज करने के विभिन्न पहलुओं और पिछले एक दशक के दौरान अवलोकित सूचना के अधिकार अधिनियम के लाभ और उपलब्धियों पर भी चर्चा होगी और ये विज्ञान भवन का मुख्य द्वार जहां आपसे कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री का आगमन होगा। केंद्रीय सूचना आयोग का वार्षिक सम्मेलन जो 10वां वार्षिक सम्मेलन है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज का यह सम्मेलन 10 वर्ष इस अधिनियम को पूरे हुए हैं।
देवी सज्जनों, आप सभी से एक बार फिर से निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें. मे आई रिक्वेस्ट यू फॉर नो मूवमेंट्स इन द हॉल. जो लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं उनसे निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण कर लें.
May we request no movement in the hall, please? आप सभी से निवेदन है कि आप अपने स्थान पर ही रहें. Last minute, sir. नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है. नई दिल्ली का विज्ञान भवन सज धज के साथ तैयार है. यहां आज से केंद्रीय सूचना आयोग के 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ हो रहा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय सूचना आयोग के इस 10वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. इस 2 दिवसीय सम्मेलन का विषय है सूचना का अधिकार आरटीआई, भविष्य का दृष्टिकोण, पारदर्शिता के माध्यम से विश्वास. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली उद्घाटन सत्र के दौरान सम्मेलन को संबोधित करेंगे और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री श्री जितेंद्र सिंह भी इस समारोह में उपस्थित रहेंगे. इस उद्घाटन सत्र के बाद जो तकनीकी सत्र होंगे उनमें आयोग के कामकाज करने के विभिन्न पहलुओं और पिछले एक दशक के दौरान अवलोकित सूचना अधिकार अधिनियम के लाभ और उपलब्धियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. इन सत्रों के दौरान नागरिक कल्याण के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम की व्याख्या, डिजिटल इंडिया में क्षितिज का विस्तार, इस अधिनियम की प्रकृति और स्वरूप को तर्कसंगत बनाना, अंतराल, उपयोग और दुरुपयोग के अनुमान, सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा व्यावहारिक शासन की चाहत और सूचना के अधिकार अधिनियम को बेहतर बनाना तथा राज्यों से इस बारे में अनुभव और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श और चर्चा भी की जाएगी. इस सम्मेलन में जो विचार विमर्श होंगे उनसे जनता और देश की भलाई के लिए सरकारी अधिकारियों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए इस अधिनियम द्वारा भविष्य में अर्जित किए जाने वाले उद्देश्यों की रूपरेखा बनाने में मदद मिलेगी. भारत
दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और लोकतंत्र की असली शक्ति होती है जनता में। लोकतंत्र सही मायनों में जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। और लोकतंत्र में सच्ची शक्ति का आधार सूचना है। आज सूचना ही शक्ति है, और हमारे पास सूचना का अधिकार है। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार के मंत्री, भारत सरकार के सचिव, रक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के अधिकारी, राज्यों के मुख्य सूचना आयुक्त, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी CPIO, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी FAA, दिल्ली के सभी आयोग अधिकरणों के प्रमुख, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, बैंकिंग क्षेत्रों के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, विभिन्न सरकारी संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी, मंत्रालयों के मुख्य सतर्कता अधिकारी यानी CVO, कानून विशेषज्ञ तथा गैर सरकारी संगठनों के सदस्य आज के इस सम्मेलन में, जो शुरू हो रहा है, 2 दिवसीय सम्मेलन, इसमें भाग ले रहे हैं। सूचना का महत्व हमेशा ही रहा है, लेकिन आज के समय में सही और प्रामाणिक सूचना का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। आज के डिजिटल युग में सूचना शक्ति है। समय समय पर सरकार के मंत्रालयों, सरकारी विभागों से प्राप्त जानकारी से समाज का बड़ा लाभ हुआ है। बदलते समय में बदलती जरूरतों के मुताबिक सूचना का अधिकार आज के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो गया है। आज के समय में जनता सरकारी विभागों, संस्थाओं से सूचना के अधिकार के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकती है। और ये जानकारी उसे उपलब्ध कराई जाती है। इस प्रकार जनता सशक्त होती है, लोकतंत्र मजबूत बनता है। यह अधिकार पूरे देश भर में पूरे देश की जनता के लिए है। आप देश में कहीं भी रहते हो, सूचना के अधिकार के माध्यम से सरकारी विभागों, मंत्रालयों और संस्थाओं, इन सभी से आप कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विज्ञान भवन का मुख्य द्वार, आगमन हो रहा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का,
जो केंद्रीय सूचना आयोग के इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सूचना के अधिकार से पारदर्शिता बढ़ी है और लोकतंत्र में शासन में सत्ता में जब पारदर्शिता बढ़ती है और जनता के पास जब सूचना का अधिकार होता है तो इस पारदर्शिता के बढ़ने से व्यवस्था पर भरोसा विश्वास और अधिक बढ़ता है। कुछ ही देर में स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर आसीन हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण और इस सभा में उपस्थित सभी गणमान्य जन, देवियों सज्जनों, चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज के इस विशेष समारोह में और एक बहुत ही ऐतिहासिक अवसर पर जब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट अपने 10 साल पूरे कर चुका है, एंड दिस एक्ट लेडीज एंड जेंटलमैन इन दीज 10 ईयर्स हैज़ कम अ लॉन्ग वे towards emerging as an effective tool in creating a more connected, more informed, more empowered, and a more just and vigilant society, riding on the power of information and on the right to know. And the present government, under the leadership of the Honorable Prime Minister Modi, from the very beginning have asserted on delivering a very clean and good governance and a corruption-free society. माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर कहा है कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के मजबूत स्तंभों पर निर्मित सुशासन, गुड गवर्नेंस, प्रोएक्टिव और प्रो पीपल होना चाहिए और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट इसे सुनिश्चित करता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को उनकी सोच, उनकी दूरदर्शिता की शुभकामनाएँ देते हुए, आज के दिवस की शुभकामनाएँ देते हुए उनका स्वागत करते हैं और स्वागत भाषण के लिए आमंत्रित करना चाहेंगे श्री विजय शर्मा जी को, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। मे आई रिक्वेस्ट यू सर फॉर योर वेलकम एड्रेस एंड ऑल्सो टू प्रेजेंट एन आउटलुक ऑन द कन्वेंशन। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय कार्मिक मंत्री जी, अपर प्रमुख सचिव डॉक्टर पी के मिश्रा जी, केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए मैं अत्यंत गर्व और हर्ष का अनुभव कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं, इससे इस सम्मेलन के महत्व में बहुत वृद्धि आई है। सम्मेलन में भाग ले रहे सहभागियों से उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। मैं प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हम सभी को इस बात का एहसास है कि इस सम्मेलन की दिशा और निष्कर्ष ऐसी होगी जो आरटीआई को प्रभावशाली बनाते हुए साथ साथ पारदर्शिता और जवाबदेही को भी और मजबूत करेगी। मैं वित्त मंत्री जी, कार्मिक मंत्री जी और डॉक्टर मिश्रा का भी आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि आपके प्रयासों से हमारे कमीशन के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत मजबूती आई है और इसकी वजह से हमारी स्वायत्तता का इजहार भी हुआ है और ऑटोनॉमी इससे हमारी बढ़ रही है। मैं यहाँ पधारे हुए उन सभी मेहमानों का भी स्वागत कर रहा हूँ जो आरटीआई एक्ट के सफ़र में जिन्होंने हमारा साथ दिया है और कई सालों से हमारे साथ रहे हैं, ये एक अटूट बंधन रहा है। हम सभी विशेषज्ञों को और जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनका स्वागत करते हैं और उनको धन्यवाद अर्पित करते हैं। अब सर, मैं आपकी आज्ञा से इस कॉन्फ्रेंस की रूपरेखा खींचना चाहता हूँ।
पर उससे पहले बहुत संक्षिप्त में इस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद। सर, आरटीआई दिस इम्प्लाइज ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ए टूल फॉर गुड गवर्नेंस, ये एक हमारा पहला स्तंभ है जो गवर्नमेंट भी चाहती है। दूसरा सर, कि आरटीआई प्रमोट्स इक्विटी एंड फेयरनेस एंड दिस प्रमोट्स ट्रस्ट, दिस स्ट्रेंथन्स सोशल कैपिटल, वेयर एज साइलेंस ओपेसिटी, दिस मार्जिनलाइजेज द नीडी, आरटीआई फॉस्टर्स एन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यह हमारा दूसरा स्तंभ है। तीसरा सर, ये हम मान के चलते हैं दैट आरटीआई इज नॉट द लैम्प टू लाइटन अप ऑल द डार्क कॉर्नर्स, बट आरटीआई इनेबल्स द गवर्निंग सिस्टम टू नो इट्स ओन सेल्फ इवन इफ देर इज सम इनिशियल कॉशन, द पॉजिटिव्स फार आउटवे द नेगेटिव्स। चौथा सर, द नीड फॉर स्ट्रेंथनिंग इम्प्लीमेंटेशन टू कीप पेस विद द पॉपुलैरिटी ऑफ द आरटीआई एक्ट, इट इज ए वाइडली रिगार्डेड एज ए यूजर फ्रेंडली एंड कॉस्ट इफेक्टिव लीगल इंस्ट्रूमेंट एंड फॉर मैनी द आरटीआई इज ए लाइफ लाइन। आखिरी सर, जो बुनियादी हमारा स्तंभ है, ये अब वक्त सर जो एक डॉक्ट्रिनल अप्रोच जो पहले होता था उससे हम काफ़ी अब एडवांस कर चुके हैं, और जो हमारी नई पीढ़ी भी है वो भी सल्यूशंस चाहती है, डूएबिलिटी, वर्कबिलिटी, क्या चीज़ें धरती पर मुमकिन है। और इसकी वजह से जो इंफॉर्मेशन डिमांड, अब जो माउंटिंग टेंडेंसी जो जिससे हमको संकेत मिलता है वो ये कि पूरा सिस्टम सर निर्भर कर रहा है अर्जियों और आवेदनों के ऊपर, और अगर हम उसी इंफॉर्मेशन डिमांड के पैराडाइम को बदल के सप्लाई ऑफ इंफॉर्मेशन कर देते हैं तो उससे एक ताज़ापन भी आएगा सर। और इसी के चारों तरफ हमने 5 टेक्निकल सेशंस को भी निर्धारित किया है सर, और ख़ास बात एक ये भी है कि इन टेक्निकल सेशंस में पूरा जो कैनवस है उससे एक्सपर्ट्स आए हैं। हमने एनजीओस को न्योता दिया, हमने अब की बार पहली बार सर पीएसयूज को भी न्योता दिया, जिससे कि सरकारी जो विभाग हैं उनके अलावा पूरा जो भी इकोनॉमिक और सोशल सेक्टर में लगे हैं सबका नज़रिया सामने आए सर। तो पहला सर हमारा जो मुद्दा है टेक्निकल सेशंस में वो है सर स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज़, जिसको हमने कहा है सर कि डिजिटल एम्पावरमेंट। वी स्टार्ट विद सर हाउ बेस्ट टू ट्रांसलेट आरटीआई इनटू सिटीजन वेलफेयर थ्रू स्मार्ट टेक्नोलॉजी यूज, कॉन्फिडेंट दैट डिजिटल एम्पावरमेंट कैन रेवोल्यूशनाइज द एक्सेस टू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज, दिस विल इन्हेंस गवर्नेंस। डिजिटल इंडिया सर इज फॉरवर्ड लुकिंग, ये पीछे नहीं देख रहा सर, ये आगे देख रहा है, टेक्नोलॉजीज को देख रहा है, और जिससे कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी वो मजबूत हो और रियल टाइम इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर हो सर। मैं सर आपसे इजाज़त लेते हुए, क्योंकि मैंने अभी ताज़ेपन की बात की सर, और जो एक सबसे मुझे एक अच्छा चित्रण आया सर वो अभी हाल की एक पॉपुलर फिल्म है सर, आपकी इजाज़त में से मैं कह रहा हूँ सर, उसमें उसका नाम है सर बजरंगी भाईजान सर, और उसमें वो एक बस में जा रहा है एक बहुत ही ग्रामीण देहाती इलाके में, और वो खोज रहा है, उसको सूचना चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो बड़े इनोसेंस से कहता है सर, वो जर्नलिस्ट हैं वो बात कर रहे हैं, वो कहते हैं इंटरनेट में बहुत ताकत होती है भाईजान, ये सर डायलॉग था एक्चुअल। इसमें सर आप मैं गौर फरमाएं सर कि टाइमली रेलिवेंट एंड यूजेबल इन्फॉर्मेशन, तो हमारा जो इस वक्त सर जो ध्यान रहेगा इन 1.5 दिन में वो ये रहेगा कि कैसे हम टेक्नोलॉजी को मजबूत करें सर। और इसी प्रसंग में दूसरा जो हमारा सेशन रहेगा सर वो रहेगा हाउ वेदर द इम्प्लीमेंटेशन इज कीपिंग इन स्टेप विद द लेजिस्लेटिव इंटेंट, कि लॉ मेकर्स ने क्या कहा है और हम ज़मीन पर उसको किस तरह से कार्यान्वित कर रहे हैं। So this effort, sir, is to rationalize the nature and scope of the RTI Act, which will take into account certain recent debates. When should public interest override the exemption from disclosure protections? Or, sir, questions of competitiveness and fairness in situations where PSUs
are conducting the same economic activity as the private sector, sir. तो इसके लिए हमने सर प्रोफेसर माधव मेनन को न्योता दिया, वो इसकी सदारत करेंगे इस सेशन की सर. अब सर हमारे जो आरटीआई लॉज हैं, हम लोगों ने ये सोचा सर कि मान लीजिए जो दिसंबर 84 में जो भोपाल में हुआ सर, अगर कि क्या आज के हमारे आरटीआई लॉज हाउ वुड दे एड्रेस दैट काइंड ऑफ ए सिचुएशन सर. दैट इज If in 1984 there would have been an RTI law like the present one, would the Bhopal factory have been netted or would it have managed to escape? क्योंकि हम लोग परिभाषाओं से सर इतना ज़्यादा ग्रसित हैं सर. और दूसरा सर हमने सिर्फ एक चित्रण के लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि should the transparency and accountability prism for wrongful denial of a hospital bed in a private mega hospital be different from a major government hospital? Do we know what we want to do after the recent heart-rending story of the 7-year-old boy called Avinash? ये हमको मजबूर करता है इन सब सवालों पर सोचने के लिए. तीसरा सर जो हमारा सेशन होगा वो होगा आरटीआई एक्ट ने जो एक कहीं लिखा है एक्ट में कि एक प्रैक्टिकल रेजिम होना चाहिए, तो Is this appropriately amenable to incorporating transparency and accountability? यानी कि RTI Act जिस तरह से पर्यावरण मंत्रालय में लागू होगा सर, उस तरह से वो गृह मंत्रालय में नहीं होगा. ये different spheres हैं सर. चौथा हमने अर्ज किया है सर RTI में privacy, इसका क्या तालमेल है. और आखिरी सर states का क्या अनुभव है सर, क्योंकि लोग तो वहाँ का अलग है सर. अभी मैं गया गुवाहाटी और रायपुर सर, दोनों जगह माननीय मुख्यमंत्रियों ने वहाँ संबोधित किया और ये क्लियर हो गया कि लोगों को आरटीआई में बहुत विश्वास है. रायपुर का जो था वो हमारे छत्तीसगढ़ के चीफ यहाँ बैठे हैं सर, सर यस मिन्स, बहुत अच्छी तरह उन्होंने उसको रखा. गुवाहाटी में सर जहाँ की पूरा पूर्वोत्तर आया था सर, ऑल दी सेवन स्टेट्स, वो हिमांशु दास ने उसको बहुत बखूबी उसका रखा सर, पूरा उसका संचालन. और अब मैं सर क्योंकि टाइम मेरा सीमित था, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी पिछले 2-3 दिन में दो एक लेख हमको देखने को मिले सर, उससे क्लियर होता है कि कहाँ कि पुराना और नया इसका संगम कैसे बनेगा सर, या ये कि पुराना कहाँ खत्म हो रहा है नया कहाँ शुरू हो रहा है सर. तो एक सर अभी लेख आया, उसका नाम था आरटीआई नीड्स ए सेकंड रेवोल्यूशन. वो हमारे ही एक फॉर्मर चीफ ने इसको लिखा. उन्होंने ये कहा द लॉ इज टू एम्बिशियसली एंड अनरियलिस्टिकली ड्राफ्टेड. ये एक फॉर्मर चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन लिखा है. एज इट डिफाइंस बोथ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक अथॉरिटी इन द वाइडेस्ट पॉसिबल मैनर सर. मैं अखबारों के कतरनों पर भी सर थोड़ा सा उस पर निर्भर कर रहा हूँ अपनी बात को. दूसरा था सर आरटीआई ऑन माय साइड, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनजीओ की तरफ से ये था सर. इसमें उन्होंने कहा द आरटीआई हैज़ बीन इंडियाज मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ द वीक, इनेबलिंग सिटीजन्स एवरीवेयर टू क्वेश्चन एंड होल्ड टू अकाउंट द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी. दूसरी सर बहुत ही अहम जो बात इसमें आई इस लेख में आरटीआई ऑन माय साइड, ये 12 अक्टूबर को छपा था, द मोर देन 45 आरटीआई यूजर्स हु हैव बीन किल्ड नियर देयर टेस्टिमनी टू जस्ट हाउ मच द एक्ट थ्रेटन्स वेस्टेड इंटरेस्ट सर. मैं सर अब अपनी बात यहाँ समाप्त करने की तरफ बढ़ रहा हूँ सर. मेरे विचार में सर जो जितना भी मुझे अनुभव यहाँ हुआ है, मेरे ख्याल से अब ये ज़रूरत है कि हम अप्रेजल करें, एनालिसिस एंड असेसमेंट करें, पहले का हम स्टॉक टेकिंग करें, आगे का हम सर स्टेज कि किस तरह से हम वी कैन सेट द स्टेज फॉर द फ्यूचर, ये सर ज़रूरी हो गया है. स्वामी विवेकानंद जी ने सर कहा था ऑल ग्रेट पावर थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी हैज़ बीन विथ द पीपल सर.
और जो अब ये डेढ़ दिन का हमारा सेमिनार है सर, जो हमारा कॉन्फ्रेंस है, ये इस बात को परिलक्षित करेगा सर। और उसके लिए सर जो एक्सपर्ट्स हमारे पैनल डिस्कशंस को गाइड करने जा रहे हैं सर, वो अपने अपने क्षेत्र में सर दे आर एक्चुअली द बेस्ट सर, और जो हमारी रिपोर्ट होगी उससे भी ये प्रकट होगा सर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत फिर से करता हूँ और अब मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर अपने विचारों को हमारे समक्ष रखने का। लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्दरिंग द क्रिएशन ऑफ अ करप्शन फ्री इंडिया एंड एक्सटेंडिंग एंड ड्राइविंग इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, extending transparency and accountability with its various initiatives is the Honorable Finance Minister of India, Shri Arun Jaitley ji, who's actually translating the vision of the Honorable Prime Minister into reality. So, Maninye Vitt Mantri ji ke vicharon ko aamantrit karte hain. Maninye Vitt Mantri, Shri Arun Jaitley ji, who's also the Minister for Information and Broadcasting and for Corporate Affairs. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Minister Dr. Jitendra Singh ji, Shri Vijay Sharma ji, the Chief Information Commissioner, Dr. P.K. Mishra, ladies and gentlemen, let me at the very outset compliment the Central Information Commissioner and the State Information Commissions on a decade of their functioning after the new Act had come into existence. Though 10 years in the creation and building of a new institution is not a very long time, it takes time for such institutions to mature, but this indeed has been a very successful experience as far as the Indian society is concerned. It has transformed over the last few decades, and particularly in the last decade, us from a society which at one stage relished itself in secrecy. When we inherited our own government after independence, we inherited a system where we all believed from those who had ruled us earlier on the basic premise that the king could do no wrong. And since the sovereign was always presumed to be right, various challenges and problems in governance could have entered. There were discretions, there could be even abuse of power, there could be cases of nepotism, favoritism, and in the absence of information tricking on the society, this could go unchecked. And therefore, India had to transform into a society with far higher standards of civilized governance. I think in the first phase we transformed into a stage where the requirements of governance were redefined. Every action of the government had to be informed by reason. Those reasons had to be recorded. Those reasons had to be relevant. Those reasons could never be arbitrary. And we passed the test of first stage of civilized governance, in which the governments had to act rationally and reasonably. Our second phase was where every action was subject to review by some other institution, in most cases the judicial institution itself. And then started a campaign
as to why we must not have an open society. The word right to information till that time was not very frequently heard of. It gained popularity out of a collateral coincidence where in the Supreme Court, in the first judge's case, the correspondence between the Chief Justice of a High Court and the Chief Justice of India had was asked to be made public, at least before the court. So far, we had heard of the right of free speech. Was free speech only confined to my expressing myself? Or in order to express myself, I must also have adequate sources of knowledge and information. And therefore, free speech was expanded as not merely the right to speak out, but also the right to be informed. And from that right to be informed was born of the whole idea that this actually stems out of one of our constitutional guarantees. And then, of course, there was a debate in the media, a political debate, civil society had a great role in this. But then there were apprehensions because we were still transforming into an open society. Would so much openness be bad for governance? Would it multiply the amount of work in governance? When everything is to be made public, would civil servants in particular be cautious about expressing themselves in writing? Or will they be wishy-washy in the giving of their opinion as far as the superior authority is concerned? But we are all glad today that this debate finally culminated in the enactment of what is an exemplary law. And this exemplary law has brought its dividends and benefits to the society. I can tell you, as somebody who has been a part of the governance system of India, every time a decision is now to be taken, one of the constraints in the mind of the decision maker is that there is a possibility that this decision would eventually become public. There is a further possibility that this decision would then be questioned, and therefore the decision itself must speak out of its own fairness. And that is where what the Chief Information Commissioner just now referred to as a great tool of good governance, openness and transparency has added to it. Not merely that there must be reasons in writing, there must be a correct and an appropriate decision. The constraint itself that this becomes public and is liable for further scrutiny is now an adequate pressure on every decision maker that he must act fairly, and that fairness must be apparent on the face of the record itself. It now extends a little further. For persons in authority, it also impinges on probity of conduct, and therefore how they conduct themselves both in their public and private affairs are issues which can come into the public domain by using the great instrumentality, and therefore a constraint of prudent conduct which is up to norms of probity itself emerges out. And I think having completed a successful duration, one has now to look forward. The challenges of technology were just now mentioned. And of course, nobody can defy technology, nobody can bypass technology. And therefore, the introduction of technology itself can make the exercise of this right more effective. It can make it less time consuming, it can make it more cost effective. But our experience of the past few years also teaches us the virtues of restraint and caution in this.
Where do we then draw the line between public conduct and privacy of an individual? Those who administer this act will have to exercise their discretion itself adequately. Where is it that information is being used for empowerment to avoid harassment for the benefit of the small man? Or is it merely being used by some busybodies for collateral purposes? I think this is a never-ending debate which will have to carry on. And therefore, for those who administer this act, I think the challenges of doing the balancing act between strengthening the exercise of this right and preventing a possible abuse in the implementation of this particular legislation, and whatever are the evolutions which take place either by virtue of case law being developed by the institution or by superior courts, or further improvements by a legislative intervention, I think our wisdom will certainly prevail, and this act, which has been of a great utility to the society itself, will certainly continue to mature and continue to grow. I'm sure the coming years will add to this experience, and the institution of the Information Commission in the states and the center itself will gain further maturity and be of great useful service to the society and to the small man in this country. I wish the CIC and all the state commissions a great success for the 2 days of deliberation. Thank you. Thank you, sir, for sharing your insightful views on the complex relationship between right to privacy and right to information. Aur Devi Sajno, is avsar par Rabindranath Tagore dwara likhi kuch panktiyan yahan par kehna chahenge jo unhone apni kriti Gitanjali mein likhi thi. He wrote, and I quote, "Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, jahan gyan mukt hai, जहाँ विशाल वसुधा को अनेक खंडों में विभाजित नहीं किया जा रहा हो, जहाँ हर वाक्य हृदय की गहराई से निकलता हो, let in that kind of environment my country and my countrymen awake." और देवी सज्जनों, आज हर भारतीय को ऐसे भारत की उम्मीद है, और इस उम्मीद की उम्मीद नजर आती है माननीय प्रधानमंत्री जी में. तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करना चाहूंगी कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करें. देवी सज्जनों, देश की उम्मीदों को एक नई उड़ान, एक नई पहचान देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी. मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अरुण जेटली जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मुख्य सूचना आयुक्त श्रीमान विजय शर्मा जी, डॉक्टर पीके मिश्रा जी, उपस्थित सभी महानुभाव, आज हम सूचना के अधिकार के संबंध में आज 10 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं. इस व्यवस्था में विश्वास पैदा करने के लिए, इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने में जिन जिन लोगों ने योगदान दिया है, उन सबको मैं धन्यवाद करता हूं और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं. ये बात सही है कि सूचना के अधिकार से सबसे पहली बात सामान्य से सामान्य व्यक्ति को जानने का अधिकार हो, लेकिन वहां सीमित न हो, उसे सत्ता को क्वेश्चन करने का भी अधिकार हो, और यही लोकतंत्र की बुनियाद है. और हम उस दिशा में जितनी तेज गति से काम करेंगे, उतना
लोकतंत्र के प्रति लोगों का विश्वास और बढ़ेगा, लोगों की जागरूकता एक प्रकार से शासन को भी ताकत देती है, और न सिर्फ शासन को, राष्ट्र की भी एक बहुत बड़ी अमानत बनती है जागरूक समाज का होना। ऐसी कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जो इस व्यवस्थाओं को पनपाती हैं, पुरस्कृत करती हैं, प्रोत्साहित करती हैं और परिणाम तक पहुंचाती है। जो जानकारी मिलती है उस हिसाब से कहते हैं कि 1766 में सबसे पहले स्वीडन में इसका प्रारंभ हुआ, लिखित रूप में प्रारंभ हुआ, इनफॉर्मली तो शायद कई व्यवस्थाओं में चलता होगा, लेकिन यही व्यवस्था अमेरिका में आते आते 1966 हो गया, 200 साल लगे। कुछ देशों ने कानून पारित किए, लेकिन पारित करने के लागू करने के बीच 2 साल का फासला रखा ताकि लोगों को एजुकेट कर पाए, शासन व्यवस्था को अवेयर कर सके और एक मैच्योर वे में व्यवस्था विकसित हो। हमारे देश का अनुभव अलग है, हम लोगों ने निर्णय किया और काम करते 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 उसको सुधारते गए, ठीक करते गए और एम्पावर करते गए, और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी, तभी जाकर के इंस्टीट्यूशन और अधिक स्ट्रेंथन होती है और आने वाले दिनों में इसके लिए निरंतर प्रयास होता रहेगा। एक बात निश्चित है कि जो डिजिटल इंडिया का सपना है वो एक प्रकार से आरटीआई की जो भावना है उसके साथ पूरक है, क्योंकि जब चीजें ऑनलाइन होने लगती है तो अपने आप ट्रांसपेरेंसी आती है और शासन और जनता के बीच ट्रस्ट होना चाहिए, और ट्रस्ट थ्रू ट्रांसपेरेंसी होता है। अगर ट्रांसपेरेंसी है तो ट्रस्ट आता ही है, और इसलिए डिजिटल इंडिया का जो सपना है वो चीजों को जितना ऑनलाइन करते जाएंगे, जितना ओपन करते जाएंगे, सवालिया निशान कम होते जाएंगे। अब अभी पिछले दिनों कोल का ऑक्शन हुआ, अब हमें मालूम है कि पहले कोयले को लेकर कितना बड़ा तूफान मच गया, कितने बड़े सवाल खड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट तक को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ा, आरटीआई से जुड़े हुए लोग भी इसमें काफी मेहनत करते रहे। अभी इस सरकार के सामने विषय आया तो हमने सारी चीज ऑनलाइन की, ऑनलाइन की इतना ही नहीं, एक बड़े स्क्रीन पर, एक पब्लिक प्लेस पर, या जहां कोई भी आ सकता है देख सकता है, सारी प्रोसेस देख रहा था, हर शाम को कहां पहुंचे इसको पता चलता था, मीडिया के लोग भी आकर के बैठते थे। अब इस व्यवस्था में शायद मैं नहीं मानता हूं कि फिर कभी किसी को आरटीआई एक्ट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो आरटीआई से मिलने वाला था वो पहले उसके सामने था। अभी हमने एफएम रेडियो का ऑक्शन किया, वो भी उसी प्रकार से ऑनलाइन किया, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया, वो भी उसी प्रकार से किया, और जब ऑक्शन चल रहा था ऑनलाइन सब लोग आते थे, हफ्ते 10 दिन तक चलता था, मीडिया के लोग भी बैठते थे और भी लोग बैठते थे, कोई भी व्यक्ति उसको कर सकता था, क्यों न हम ट्रांसपेरेंसी प्रोएक्टिवली क्यों न करें, किसी को जानने के लिए प्रयास करना पड़े कि किसी को जानकारी सहज रूप से मिले। शासन लोकतंत्र में उसका प्रयास है वो रहना चाहिए कि सहज रूप से उसको जानकारी मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ कुछ चीज़ें तो ऐसी पुरानी घर कर गई थी, धीरे धीरे उसको बदलने में समय लगता है। अब जैसे
आपको कहीं अप्लाई करना है और अपने सर्टिफिकेट का जेरोक्स देते हैं तो वो मंजूर नहीं होता है। किसी गेजेटेड ऑफिसर या किसी पॉलिटिकल लीडर से जब तक थप्पा नहीं मरवाते हो उसको मान्यता नहीं मिलती है। अब ये सालों से चल रहा था। हमने आकर के निर्णय किया कि भाई नागरिक पे हम भरोसा करें, वो एक बार कहता तो सच मान ले और जब फाइनल उसका होगा तब ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आ जाएगा, देख लेना। और आज वो व्यवस्था लागू हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि हम नागरिक पर भरोसा करके व्यवस्थाओं को चलाएं, नागरिकों पर शक करके हम चीजों को चलाएंगे तो फिर हम भी अपने आप को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करते रहेंगे। एक ओपननेस गवर्नेंस में, जितना ओपननेस आएगा उतना परिणाम सामान्य नागरिक को भी ताकतवर बनाता है। सरकार का एक और भी स्वभाव बना हुआ है, साइलो में भी काम करना, और इतना ही नहीं, एक ही कमरे में चार अफसर बैठे हो बड़ी कोशिश करता है कि बगल वाला फाइल देखे नहीं। अब ये जो सीक्रेसी की मानसिकता किसी जमाने में रही होगी, उस समय के कुछ कारण होंगे, लेकिन आज मैं नहीं मानता हूं कि इस प्रकार की अवस्था रहेगी। अगर खुलापन है, खुली बात है, भाई ये चार काम करने हैं, चर्चा करके करने हैं, तो सब मैं समझता हूं कि उसके कारण एक सरलता भी आती है और स्पीड भी आती है। एक आध चीज की कमी रहती है तो अपना साथी बताता है, अरे भाई तुम देखो ये पहलू जरा देख लो, तो एकदम से काम है। कोई जरूरी नहीं कि वो फाइल पर लिख करके कहता है, ऐसे ही बातों में कहता है कि देखो भाई ये पहलू देखना पड़ेगा, तो अपने आप सुधार हो जाता है। तो सुधार करने के लिए हमारे मूलभूत स्वभाव में भी शासन से ये बहुत अपेक्षा रहती है कि उसमें ये बदलाव लाना चाहिए, और हम उस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि प्रयास परिणामकारी होगा। आज मैं समझता हूं कि आरटीआई की एक सीमा है, वो सीमा ये है कि जिसको जानकारी चाहिए जानकारी तो मिलती है, कुछ बातों का मीडिया को काम आ जाती हैं, कुछ बातें किसी को न्याय अन्याय के तक सीमित रह जाती है। प्रोसेस का पता चलता है लेकिन अभी भी प्रोडक्ट का पता नहीं चलता है। मैं इस रूप में कह रहा हूं कि मान लीजिए एक ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, तो आरटीआई वाला पूछेगा तो उसको पता चलेगा फाइल कैसे शुरू हुई, टेंडरिंग कैसे हुआ, नोटिंग क्या था, साइट कैसे सिलेक्ट हुआ, ये सब चीजें मिलेगी। लेकिन वो ब्रिज कैसा बना, ठीक बना कि नहीं बना, उसमें कमियां है कि ठीक हुआ, समय पे हुआ कि नहीं हुआ, इन चीजों की तरफ अब ध्यान देने का समय आया है। तो हम प्रोसेस पर जितना ध्यान देते हैं आरटीआई के द्वारा, एक समय वो भी चाहिए कि जो प्रोडक्ट पर भी उतना ही ट्रांसपेरेंसी लाएं, तब जाकर के बदलाव आता है। वरना वो जानकारियां सिर्फ एक संतोष के लिए होती है। आखिरकार आरटीआई का उपयोग गवर्नेंस में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले होना चाहिए। और इसलिए जब विजय जी मुझे मिले थे तो मैंने बातों बातों में उनको कहा था कि जो लोग हमें सवाल पूछते हैं, क्या हमने उसका एनालिसिस किया है क्या, कि भाई रेलवे के संबंध में कितने सवाल आते हैं, होम के संबंध में कितने सवाल आते हैं, फलाने विषय में कितने सवाल आते हैं। हम एनालिसिस के भाई ये डिपार्टमेंट है जहां हजारों की तादाद में सवाल आते हैं, ये डिपार्टमेंट जहां सौ से ज्यादा नहीं आते हैं, फिर हमने उसका एनालिसिस करना चाहिए कि ये जो सवाल आते हैं उसके मूल में कोई पॉलिसी प्रॉब्लम तो नहीं है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर हम इन आरटीआई को सिर्फ जवाब देने तक सीमित रखें तो शासन व्यवस्था को लाभ नहीं होता है। उस नागरिक ने सवाल पूछा है मतलब शासन व्यवस्था में कहीं ना कहीं कोई बात है जो पूछने की जरूरत पड़ी है। अगर व्यवस्था इतनी सेंसिटिव होती है और जो सवाल आए हैं उनका अगर हम एनालाइज करते हैं तो हमें पता चलेगा कि पॉलिसी मैटर के कारण ये समस्या बार बार उठ रही है, लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो
तो गवर्नमेंट में हाईएस्ट लेवल पर सोचना चाहिए कि भाई पॉलिसी मैटर में क्या फर्क लाना चाहिए। एक आरटीआई का छोटा सा सवाल भी आपको पॉलिसी बदलने के लिए मजबूर कर सकता है, और कभी कभार वो इतना सटीक बात पूछता है कि ध्यान में आता है कि भाई हाँ ये तरफ हमारा ध्यान नहीं गया। इसलिए गुड गवर्नेंस के लिए आरटीआई कैसे उपयोग में आए, सिर्फ जवाब देने से आरटीआई गुड गवर्नेंस नहीं ला सकता है, वो सिर्फ विवादों का लिए काम आ सकता है, परिस्थिति पलटने के लिए काम नहीं आ सकता है। दूसरा मैंने सुझाव दिया कि एक तो पार्ट ये होता है कि भाई पॉलिसी के कारण, दूसरा होता है पर्सन के कारण, कि भाई जो व्यक्ति वहां बैठा है उसके नेचर में ही है, इसलिए ऐसी स्थिति पैदा होती है, वो जवाब नहीं देता है, ढीलापन रखता है, एटीट्यूड चलता है। तो फिर पर्सन पर सोचने का समय आएगा, भाई एक ही पर्सन से संबंधित इतने सारे ढेर सारे इशू क्यों खड़े होते हैं, तो कहीं कोई कमी होगी, उसको ठीक किया कैसे जाए, उस पर सोचना चाहिए। कहीं पर ऐसा होगा कि जिसे पता चलेगा कि भाई लोगों ने सवाल पूछे हैं लेकिन फाइनेंस के रिसोर्सेज क्रंच के कारण वो नहीं हो पा रहा है, या कोई काम ऐसा होगा कि जिसके कारण लोकल कोई न कोई व्यवस्था होगी जो रुकावटें डाल रही है। जब हम इन सवालों का परफेक्ट एनालिसिस करें और उसमें से सरकार की कमियां ढूंढें, नागरिकों के सवालों में से ही सरकार की कमियां उजागर हो सकती है, व्यवस्था की कमियां उजागर हो सकती है, प्रोसेस की कमियां उजागर हो सकती है, और उसको ठीक करने के लिए उसमें से हमें एक रास्ता भी मिल सकता है। और इसलिए मैं चाहूँगा कि आप जब इस पर डिबेट करने वाले हैं, हम आरटीआई को एक गुड गवर्नेंस की ओर जाने का एक साधन के रूप में कैसे इस्तेमाल करें। और ये हो सकता है, मैं इन दिनों एक कार्यक्रम करता हूँ भारत सरकार में आने के बाद, प्रगति, एक साथ सभी चीफ सेक्रेटरी और सभी सेक्रेटरी भारत सरकार के, और मैं 12-15 इशू लेता हूँ, और उससे ध्यान में आता है, सवाल तो मैं वो लेता हूँ किसी नागरिक की चिट्ठी के आधार पर पकड़ता हूँ, किसी ने मुझे लिखा कि भाई फौजियों को पेंशन में प्रॉब्लम है, तो मैंने उस विषय को उठाया, सबको बुलाया बिठाया, और सब वीडियो पर होते हैं, मीटिंग नहीं करता, मैं तो एक छोटे कमरे में बैठता हूँ, लेकिन डिबेट, और उसका कारण बनता परिस्थिति आती है, तुरंत ध्यान में आता है कि भाई इस विषय को हैंडल करना पड़ेगा। किसी ने मुझे लिखा कि साहब पोस्ट ऑफिस में 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए, टपाल नहीं आई थी, मैंने प्रगति में ले लिया, तुरंत पता चला क्या कारण था उनका, कहाँ पर ये स्लो प्रोसेस चल रहा था। कहने का तात्पर्य ये है कि हम नागरिकों की आवाज़ को अगर हम महत्व दें, जब मैं गुजरात में था तो मैंने एक पद्धति बनाई थी, जो एमएलए सवाल पूछते हैं, मेरा अनुभव है कि एमएलए यानी जनप्रतिनिधि किसी भी दल का क्यों ना हो, लेकिन उसकी हर बात को तवज्जो देनी चाहिए, महत्व देना चाहिए, किसी भी दल का क्यों ना हो, क्योंकि वो अपने क्षेत्र के संबंध में कोई बात बताता है, मतलब वो जनहित के लिए ही बताता है, मान करके चलना चाहिए। लेकिन जब हाउस के अंदर जवाब देते हैं तो बाय एंड लार्ज मीडिया सेंट्रिक प्रोसेस चलता है ना, एक प्रकार से हाउस में कल मीडिया में क्या छपेगा, टीवी पे क्या दिखेगा, वही डोमिनेट करने लग गया है। और इसलिए हाउस में तो हर कोई अपना स्कोर सेटल करने वाला जवाब देता है, अब क्या करें, मजबूरी हो गई है राजनीति की कि भाई दूसरे दिन मीडिया में खबर खराब ना आए, तो वो अपना, और वो कर भी लेता है, जीत भी जाता है, बात अलग है। लेकिन मैंने एक प्रोसेस शुरू किया था, असेंबली सत्र पूरा होने के बाद जितने भी क्वेश्चन आते थे हर डिपार्टमेंट को कहता था हर क्वेश्चन का एनालिसिस करो और मुझे एक्शन टेकन रिपोर्ट दो, भले किसी का भी सवाल हो, हाउस में आपने जो भी जवाब दिया ठीक है, अगर उसने कहा है कि भाई वहाँ रोड नहीं बना है, मुझे रिजल्ट चाहिए। और उसके कारण शासन में एलएक्यूज के प्रति एक सेंसिटिविटी पैदा हुई थी। मैं मानता हूं ऐसी सेंसिटिविटी आरटीआई के सवालों के साथ हमको जोड़नी है। अगर ये पूरे देश शासकीय व्यवस्था में प्रगति लाने में बहुत कुछ कर सकते हैं, और उस
एक ये भी बात है कि जब हम आरटीआई तो मेरा मत है कि ये सारा कम्युनिकेशन जो है, इन्फॉर्मेशन एक्सेस करने की जो प्रक्रिया है, वो एक तो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, टाइमली होनी चाहिए एंड ट्रबल फ्री होनी चाहिए। ये हम जितना, क्योंकि समय बीतने के बाद जानकारी अगर हम देते हैं तो न वो शासन को सुधारती है और न शासन को अकाउंटेबल बनाती है। फिर स्थिति में अब क्या करें भाई, वहाँ तो भवन बन गया, अब वो भवन कैसे तोड़ सकते हैं? क्या करें भाई, वहाँ तो लोग रहने के लिए आ गए, अब उनको कैसे निकाल सकते हैं? अगर टाइमली इन्फॉर्मेशन देते तो हो सकता है कि गलत निर्णय रुक जाता, तुरंत हम ध्यान में आते हैं। और इसलिए ट्रांसपेरेंसी भी हो, टाइमली भी हो, ट्रबल फ्री भी हो, ये हम बल देंगे तो हम इस कानून बनाए, लेकिन उस कानून का ज़्यादा अच्छा उपयोग कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा परिणाम ला सकते हैं। आज मैंने देखा है कि गांव के अंदर ये ठीक है, हर बात में कुछ मात्रा में कोई न कोई शंका कुशंका का कारण रहता होगा, लेकिन लार्जर इंटरेस्ट में ये बहुत उपकारक है, बहुत उपयोगी है। मैंने राज्य का शासन चलाया, इसलिए मुझे मालूम है कि गरीब व्यक्ति आरटीआई का कैसे उपयोग करता है। अगर गांव के अंदर किसी ने गलत एंक्रोचमेंट कर दिया है और वो बड़ा दबदबा वाला इंसान है तो शासन कुछ कर नहीं पाता है, और एक गरीब आदमी आरटीआई को एक सवाल पूछ देता है, आ जाता है, तो शासन को मजबूर होकर के एंक्रोचमेंट हटाना पड़ता है और जनता की या शासन की जो जमीन है वो खुली करवानी पड़ती है। ऐसे कई उदाहरण मैंने देखे हैं। गांव का भी एक छोटा व्यक्ति, हम जब गुजरात में थे तो एक प्रयोग किया था और वो गुजरात मॉडल के रूप में जाना जाता था। ट्राइबल के लिए हम ट्राइबल को सीधा पैसा दे देते थे और ट्राइबल को कहते थे तुम अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार एक कमिटी योजना बनाए और वो अपना काम, क्योंकि सरकार योजना बनाती है गांधीनगर में बैठ के, वो चाहती है कुआं खोदेंगे, गांव वाला कहता है मुझे कुआं नहीं चाहिए, मुझे स्कूल चाहिए, और हम कुएं के लिए पैसे देते हैं, उसको स्कूल चाहिए, उसके बजाय हमने गांव वालों को दिया। लेकिन गांव में ग्राम सभा के अंदर उनको सारा ब्यौरा देना पड़ता था और बोर्ड पर लिख के रखना पड़ता था कि हमने इस काम के लिए इतना पैसा लगाया। गांव का सामान्य व्यक्ति भी पूछ लेता था पंच के प्रधान को कि भाई तुम कह रहे हो कि 200 रुपया यहाँ लगाया, वो चीज तो दिखती नहीं, बताओ। और ट्रांसपेरेंसी आती थी। हम जितना ओपननेस लाते हैं उतनी ट्रांसपेरेंसी की गारंटी बनती है, और इसलिए आरटीआई एक माध्यम है ट्रांसपेरेंसी की ओर जाने का। लेकिन एट द सेम टाइम आरटीआई से सीख करके हमने शासन व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्यकता है। और मुझे विश्वास है अगर गलत इरादे से कोई काम नहीं किया है तो कभी कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, सही काम सही परिणाम भी देते हैं। और जैसा मैंने कहा, सिर्फ प्रोसेस नहीं, हमें आने वाले दिनों में प्रोडक्ट की क्वालिटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। उसको भी हम किस प्रकार से सोचें ताकि हर चीज़ का हिसाब किताब देना पड़े, क्योंकि ये जनता की पैसों से चलती है सरकार, सारे निर्माण कार्य होते हैं जनता के पैसों से होते हैं, और जनता सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में। उसके हितों की चिंता और उस व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में हम प्रयास करते रहेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही उपकारक होगा। आज एक आप पूरा दिन भर आप लोग बैठने वाले हैं, मुझे विश्वास है कि इस बंधन में राज्य के भी सभी अधिकारी यहाँ आए हुए हैं, तो उस मंथन में से जो भी अच्छे सुझाव आएंगे वो सरकार के ध्यान में आएंगे, उसमें से कितना अच्छा कर सकते हैं प्रयास जरूर रहेगा। लेकिन हम चाहेंगे कि जनता जितनी ताकतवर बनती है, नागरिक जितना ताकतवर बनता है, वो ताकत सचमुच में देश की ही ताकत होती है, उसी को हम बल दें, इसी एक अपेक्षा के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। We thank the Honorable Prime Minister for extending his very thoughtful vision and his efforts which he is taking towards extending more transparency, accountability, building trust and bringing in more openness, making it more people and pro-centric.
और इस विशेष समारोह के अंत में धन्यवाद मत पेश करने के लिए अब आमंत्रित करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को, माननीय राज्य मंत्री प्रधानमंत्री कार्यालय एवं कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सर, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, लेडीज एंड जेंटलमैन, After the Honorable Prime Minister has finished speaking, it is neither required nor befitting to say anything more. And therefore, I would just make two quick observations in two brief sentences. The right to information may have been enacted for the last 10 years and may have become a part of the Constitutional Act over the last 10 years. But the urge for information, the basic instinct for information, is inherent to human mind and has therefore existed right from the time when the first ever human being placed his foot on the surface of this planet. Over the years, however, this privilege underwent changes depending upon the prevailing conditions. If, for example, during the British Raj, as was being pointed out by the Honorable Finance Minister, we had certain constraints, there was something like the Official Secret Act 1923, After the dawn of independence, as democracy evolved to higher and higher levels of functioning, the urge for information also began to evolve to higher and higher levels of consciousness, and hence the need for a formal Right to Information Act that we got 10 years ago. These few years, sir, have been a learning experience for all of us. While those in government learned to live with the prospect of increasing accountability accruing from this act. On the other hand, those representing the society also learn to define the dimensions of the right to information and also the possible limitations. And at the end, before I conclude, as somebody dealing with the Department of Personnel Training, I would just submit that in governance, this government has before itself three primary priorities: A, transparency in governance, B, ease of governance, and C, citizen-centric governance. And incidentally, all the three are intrinsically interlinked with the right to information, which in turn reinforces our commitment to the ultimate goal of maximum governance, minimum government laid down by the Honorable Prime Minister. Thank you, Honorable Prime Minister, sir. Thank you, Finance Minister, sir. Thank you, dignitaries on the dais. Thank you, dignitaries off the dais. Thank you, media. Thank you, ladies and gentlemen. Dhanyavad, sir. Once again, expressing heartfelt thanks to the Honorable Prime Minister, to the Honorable Finance Minister, and also thanking Maninir Rajya Mantri, Pradhan Mantri Karyalaya, Dr. Jitendra Singh Ji. सूचना का अधिकार जो भविष्य का दृष्टिकोण है, इस अधिकार से जो पारदर्शिता का सतत प्रयास चल पड़ा है, उससे भरोसा और मजबूत हो रहा है। केंद्रीय सूचना आयोग के वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ। नमस्कार।